हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि शाओमी के जो भी रेडमी नोट 9 प्रो, रेडमी 10 प्रो मैक्स, ऐसा कोई डिवाइस अगर आप यूज़ कर रहे हैं, पोको M2 प्रो, तो इसके अंदर एक गूगल का अपडेट आया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो बताया कि, तो कल मैंने जो है वीडियो बनाया था जिसमें कि बताया कि MIUI जो है अब गूगल अपडेट देगा MIUI का। तो मैंने जो है अभी न्यूज़ देखा कि रेडमी नोट 9 प्रो, पोको M2 प्रो और Redmi Note 10 Pro Max के लिए जो है एक न्यू अपडेट आ रहा है जो कि 15 MB का और कुछ KB का अपडेट है। तो अभी जो फ़िलहाल मैं चेक कर रहा था गाइस कि मेरे डिवाइस में अपडेट आया कि नहीं, तो मेरा पोको M2 Pro, तो यहाँ पर आपको जाना होगा सिक्योरिटी स्टेटस में, गूगल प्ले सिस्टम अपडेट्स में, और यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपको अपडेट मिला है कि नहीं। तो मुझे तो है अपडेट फ़िलहाल तो नहीं मिला, एंड्रॉयड 11 पे है। तो ये कुछ डिवाइस स्टेबिलिटी कुछ ऐसा बता रहा है, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। मैंने जो है स्क्रीनशॉट लगा दिया ऊपर में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बता रहा है कि कुछ डिवाइस स्टेबिलिटी कुछ ऐसा बता रहा है। तो अभी देखते हैं गाइस, अपडेट तो मिला नहीं है फिलहाल पोको M2 Pro में, Redmi Note 10 Pro Max में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे। तो फिलहाल तो मुझे अपडेट इसका नहीं मिला है, तो अभी चेक करते हैं, शाम तक अगर अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। और तो इसका जो साइज़ है वो तो ज़्यादा MB के है नहीं, तो इसमें कुछ खास चेंजेस होंगे नहीं, और ना ही जो हमारा सिक्योरिटी पैच वो चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगस्त का जो सिक्योरिटी पैच वो हमें मिल चुका है 1 अगस्त का, जो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो बस यही था वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।